समाधि और आत्मज्ञान। कुछ लोगों में रहस्यमय अनुभवों को लेकर बहुत जिज्ञासा होती है। कई लोग असामान्य अनुभव प्राप्त होने का दावा करते हैं, जिसे वे आध्यात्मिक विकास के प्रमाण के रूप में बताते हैं। इन दिनों लोगों के आध्यात्मिक शब्दकोश में समाधि एक आम शब्द है, जिसे रहस्यमय उपलब्धि के प्रमाण पत्र की तरह देखा जाता है। यह समाधि वास्तव में क्या है? समाधि संभाव की एक खास अवस्था है, जिसमें बुद्धि अंतर के अपने सामान्य तरीके से परे चली जाती है। इसके फलस्वरूप समाधि भौतिक शरीर पर किसी इंसान की पकड़ को इस तरह ढीली करती है कि आपके और आपके शरीर के बीच एक दूरी बन जाती है। समाधियां कई तरह की होती हैं। समझने के लिए इन्हें 8 किस्मों में बांटा गया है। ये 8 प्रकार वास्तव में 2 मोटे वर्गों में आते हैं। सविकल्प समाधि, ऐसी समाधियां जो बहुत सुखद, आनंदमय और परमानंद जैसे लक्षण या गुण वाली होती हैं, और निर्विकल्प समाधि, ऐसी समाधियां जो सुखद और दुखद से परे, किसी लक्षण या गुण से रहित हों। निर्विकल्प समाधि में शरीर से सिर्फ एक बिंदु पर संपर्क रहता है, बाकी की ऊर्जा ढीली और भौतिक शरीर के साथ शामिल नहीं रहती। ऐसी अवस्थाओं को कुछ समय के लिए बनाकर रखा जाता है, जिससे आपके और आपके शरीर के बीच अंतर स्थापित होने में सहायता मिले। किसी के भी आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर समाधि एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन फिर भी यह अंतिम लक्ष्य नहीं होता। किसी खास तरह की समाधि का अनुभव कर लेने का मतलब यह नहीं है कि आप अस्तित्व के चक्र से मुक्त हो गए। यह बस अनुभव का एक नया स्तर होता है। यह कुछ ऐसा है कि जब आप बच्चे थे, तब आपने जीवन को एक खास तरह से अनुभव किया था। जब आप व्यस्त हो जाते हैं, तो आपके अनुभव का स्तर अलग हो जाता है। आप अपने जीवन में अलग अलग मुकाम पर उन्हीं चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से अनुभव करते हैं। समाधियां बस उसी तरह की होती हैं। कुछ लोग समाधि के किसी खास स्तर में जा सकते हैं और कई सालों तक उसी अवस्था में बने रह सकते हैं, क्योंकि यह सुखद होती है। इस अवस्था में न तो कोई स्थान और न कोई समय रह जाता है, और न ही कोई शारीरिक समस्या, क्योंकि कुछ हद तक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं टूट जाती हैं। लेकिन यह सिर्फ अस्थाई होता है। जैसे कि इस अवस्था से बाहर आते हैं, सारी शारीरिक आवश्यकताएं और मानसिक आदतें फिर से लौट आती हैं। आमतौर पर पूरे होशो हवास वाले की तुलना में हल्का नशा किए इंसान के उल्लास और अनुभव का स्तर अलग होता है, लेकिन उसे किसी न किसी वक्त नीचे उतरना होता है। सारी समाधियां बिना किसी बाहरी रसायन के नशे की अवस्था में जाने का तरीका है। अगर आप इन अवस्थाओं में जाते हैं, तो आपके लिए एक नया आयाम खुल जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको स्थायी रूप से रूपांतरित नहीं करता। आप किसी दूसरी वास्तविकता में नहीं पहुंचे हैं। आपके अनुभव का स्तर और गहरा हो गया है, लेकिन सही अर्थ में आप मुक्त नहीं हुए हैं। ज्यादातर आत्मज्ञानी लोग कभी समाधि की अवस्था में नहीं बने रहे। गौतम बुद्ध ने अपने आत्मज्ञान के बाद सालों तक कभी बैठकर ध्यान नहीं किया। उनके कई शिष्य बरसों तक लंबे ध्यान में रहे, लेकिन गौतम ने खुद को कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया होगा कि यह उनके लिए जरूरी नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्होंने सभी 8 तरह की समाधियों का अभ्यास और अनुभव किया था, और फिर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कहा, यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। वे जानते थे कि इनसे उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। समाधि अनुभव का सिर्फ एक उच्च स्तर है, एक तरह के आंतरिक LSD, बिना किसी बाहरी पदार्थ के। इससे बोध का स्तर बदल जाता है। इसमें खतरा यह है कि आप इसी में अटक सकते हैं, क्योंकि यह मौजूदा सच्चाई से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सबसे सुंदर अनुभव भी समय के साथ उबाऊ बन सकता है। अगर आपने अपने जीवन में आत्मज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है, तो वह हर चीज बेकार है जो आपको एक और कदम अपनी चरम आजादी के पास नहीं ले जाती। मान लीजिए आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक भी कदम इधर उधर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चोटी तक पहुंचने के लिए ऊर्जा की हर बूंद की जरूरत है। अब अगर आपको अपनी चेतना के शिखर पर पहुंचना है, तो आपको ऊर्जा के हर कतरे की जरूरत पड़ेगी जो आप जुटा सकते हैं। फिर भी वह काफी नहीं है। अब आप ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे जो आपको मुख्य लक्ष्य से भटका दे। आप पूछ सकते हैं कि यह आत्मज्ञान क्या है? आखिरकार ज्यादातर लोग जो चाह रहे हैं, वो बस अच्छी सेहत, खुशहाली, पैसा, प्रेम और सफलता है।
क्या आपको वाकई आत्मज्ञान की जरूरत है? आइए इस पर सबसे आसान तरीके से गौर करते हैं। क्या यह सच नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, आप उसे उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यह सच नहीं है कि आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज या यंत्र को आपकी पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर पाना उसके बारे में आपकी जानकारी पर निर्भर करता है? क्या यह सच नहीं है कि उस स्तर की बुद्धिमत्ता और निपुणता वाला व्यक्ति एक साधारण से यंत्र का भी जादुई तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? क्या आपने कुछ लोगों को एक प्लास्टिक के टुकड़े पर सवार होकर, जिसे सिर्फ बोर्ड कहते हैं, आश्चर्यजनक चीजें करते देखा है? वह बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा है और वे उससे कैसे कैसे फुर्तीले और सुंदर करतब कर लेते हैं। इसी तरह से मनुष्य के शरीर तंत्र के कार्य करने के तरीके को आप जितनी गहराई से समझेंगे, आपका जीवन उतना ही जादुई होगा। हर संस्कृति में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से दूसरे लोग चमत्कार में विश्वास करने लगे। ये सारे कार्य जिन्हें चमत्कार माना जाता है, बस उन लोगों के जीवन तक अधिक गहरी पहुंच होने का नतीजा है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, वह पहुंच हर किसी को उपलब्ध है जो गहराई में देखने और खोज करने को तैयार है। एक शुरुआत। अधिकतर लोगों के जीवन में आनंद कभी कभार आने वाले मेहमानों की तरह होता है। इस किताब का मकसद जीवन भर के लिए उसे आपका साथी बना देना है। आनंद कोई ऐसा आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है जो पहुंच से बाहर हो। आपके जीवन का कोई भी पहलू जादुई व शानदार तरीके से अभिव्यक्त हो, इसके लिए आनंद का वातावरण होना जरूरी है। अगर आनंद आपके जीवन में नहीं है, तो जीवन की सबसे सुखदायी गतिविधियां भी बोझिल बन जाती हैं। आप अपने इर्द गिर्द जीवन की समस्याओं को अपनी काबिलियत से संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार जब आनंद आपका स्थायी साथी बन जाता है, तो आप खुद अपने जीवन में एक समस्या नहीं रह जाते। इसके बाद जीवन लगातार जाहिर होते जश्न और खोज की एक यात्रा बन जाता है। मानवता के इतिहास में पहली बार हमारे पास इस धरती की हर समस्या, जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी ही दूसरी समस्याओं को संभालने के लिए जरूरी साधन, काबिलियत और तकनीकें हैं। हमारे पास विज्ञान और तकनीक के जबरदस्त साधन मौजूद हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं कि हम दुनिया को कई बार बना या मिटा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे शक्तिशाली साधनों के इस्तेमाल में करुणा, समावेश, संतुलन और समझदारी की गहन भावना शामिल ना हो, तो हम एक वैश्विक त्रासदी के कगार पर खड़े हो सकते हैं। बाहरी खुशहाली की हमारी अंधाधुंध कोशिशों ने इस धरती को पहले ही विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। हमारे पास आज जो सहूलतें और सुख सुविधाएं हैं, वे किसी भी पिछली पीढ़ी से बहुत अधिक हैं। फिर भी हम मानवता के इतिहास में सबसे आनंदमय और प्रेममय पीढ़ी होने का दावा नहीं कर सकते। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद लगातार चिंता और अवसाद की अवस्था में रहती है। कुछ अपनी सफलता की पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि कई लोगों के दुख का कारण उनकी सफलता है। कुछ अपनी सीमाओं की वजह से पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन कई अपनी आजादी से पीड़ित हैं। जिस चीज की कमी है, वह है मानव चेतना। बाकी सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान अपनी जगह पर नहीं है। अगर इंसान अपनी खुशी के रास्ते में खुद रुकावट बनना बंद कर दे, तो हर दूसरा समाधान मौजूद है। मनुष्य को रूपांतरित किए बिना आप दुनिया को रूपांतरित नहीं कर सकते। मेरा पूरा जीवन इंसानों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है, ताकि वे खुद अपने भाग्य के स्वामी बन सके। मैं उन्हें आनंदमय समावेश की अवस्था में लाना चाहता हूँ, ताकि एक पीढ़ी के तौर पर हम में जो संभावना है, वह हमसे कहीं कतराकर न चली जाए। आपकी खुशी, आपका क्लेश, आपका प्रेम, आपकी यंत्रणा, आपका आनंद, सब आपके ही हाथों में है। बाहर निकलने का एक रास्ता है, और बाहर निकलने का रास्ता अपने अंदर है। सिर्फ अंदर की ओर मुड़ने पर ही हम वास्तव में प्रेम, प्रकाश और हंसी खुशी की दुनिया बना सकते हैं। यह किताब उस दुनिया का एक प्रवेश द्वार हो सकता है।